ड्रामा में से फिल्म बनाने का जब तय किया तो मैंने परेशी को बोला कि इसके लिए हमें एक ऐसा एक्टर चाहिए जो सिर्फ ना एक्टर भी हो वो स्टार भी हो. एंड परेशी सेड लेट्स गो एंड मीट अक्षय. इज द राइट कास्ट राइट चॉइस फॉर कृष्णा. एक पायसनेस भी है उनके चेहरे पे, मस्ती भी है, सच अ गुड लुकिंग गाय. सबसे बड़ी बात यह है कि इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. मैं कृष्ण भगवान का रोल कर रहा हूँ और मुझ पे केस किया गया है. आपका झगड़ा भगवान से है तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना. भगवान के ऊपर क्या केस करें? भगवान पे केस कैसे कर सकते हैं? एक गलत बात है. भगवान के ऊपर कोई पर्सन नहीं केस कर सकता. मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप भगवान पे केस मत कीजिए. Dude, get a life. Seriously, you cannot case a file against God. नहीं, भगवान पे नहीं कर सकते केस. वो बोले मैं केस करूंगा, काहे पे केस करेगा, नहीं होता वो केस. भगवान को कैसे केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. मैं कैसे आता हूं अपना केस डिफेंड करने के लिए और क्या होता है? हेलो हेलो कौन हो भाई? भगवान. परेश भाई की और अक्षय जी की केमिस्ट्री बहुत फिल्मों में देखी हुई है कि उनका टाइमिंग बहुत अच्छा होता है. ये फिल्म में वो जो स्लैपस्टिक जो काफ़ी फिल्मों में उन्होंने किया है इस तरह का नहीं है. इट्स अ वेरी सेंसिबल वे में उन दोनों की कॉन्वर्जेशन है. अक्षय जी में सारी क्वालिटीज है. बहुत सटल रह के उन्होंने रोल परफॉर्म किया है. रिकॉर्ड कर ध्वनि. ओके वीडियो से आ गया. बाकी सब बैठ जाए, लाइट पीछे है. टेक ओके सैन. और उन्होंने ये कैरेक्टर के लिए काफी मेहनत भी की है. स्टार्ट कैमरा. एंटर एटमोसफियर ऑन द सेट व्हेन अक्षय इज देयर वेरी पॉजिटिव. माने आपको काम करने को दिल करता है, हंसते खेलते को काम कभी हो गया पता भी नहीं चल रहा. तो ये अक्षय कुमार की खास बात है. एक सीन था जहाँ पे ही हैड टू प्ले फ्लूट. आई सजेस्टेड कि मैं क्या करूँ ये फ्लूट के लिए. यू वॉन्ट मी टू लाइक पहले एक रिकॉर्डेड साउंड रखो एंड यू विल एक्ट. ही सेड नो आई विल परफॉर्म. अक्षय जी यार जो कृष्ण का रोल कर रहे हैं उनकी पहली सुबह है कांजी के घर में. तो उनकी तो आदत होती है रोज सुबह उठ के बांसुरी बजाए, पंछियों को जगाए. तो सरप्राइजिंग कि उन्होंने फ्लूट उनको बजानी आती है. सो वो पूरे यूनिट के लिए वो सरप्राइज थी कि द वे ही प्लेड द फ्लूट. दादा को पहले जब ये कैरेक्टर सुनाया कि आपको ये करना है आपकी ऐसी वीक रहेगी, दो इज अ फैंटास्टिक एक्टर, बट वो थोड़े उनको ऐसा था कि यार ऐसा कैसे हम लोग कर सकते हैं. आई सेड आप एक काम कीजिए, अपनी वैनिटी वैन से यही कॉस्ट्यूम में और ऐसे मैनरिज्म करके ही यहाँ से निकल के आपकी जो कुर्सी है जहाँ पे आपके बैठना है वहाँ तक आप चल के जाइए. कोई शूटिंग नहीं हो रहा है, जस्ट सी द रिएक्शन ऑफ द जूनियर आर्टिस्ट जो यहाँ पे आए हुए हैं. वी इन्फॉर्म दैट दादा इज कमिंग टू द सेट, सो वी विल जस्ट रोल एंड वी जस्ट. तो दादा ने वो मैनरिज्म पकड़ के वैनिटी वैन से लेकर कुर्सी तक आए और उनको इतना रिस्पॉन्स मिला, पीपल लाफ्ड एंड क्लैप्ड एंड स्टफ लाइक दैट. And then he said कि नहीं है, मैं कैरेक्टर अच्छे से पकड़ूंगा और ये मैं कर दूंगा. I love Mithun Das character in the film. He's played one of the babas. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. ओ सन साधु पूछ नहीं है बंधु बाबा वगैरह की. आई कैनॉट बिलीव पाकर स्वामी समझते मैं नहीं. आई डोंट बिलीव इन ढोंगी बाबा. ठीक हो पैसा कमाओ. साई बाबा तो ठीक है, साई बाबा अक्कल स्वामी समर्थ है, वो सदगुरु ही थे. That's good business, nothing else. So I don't believe in babas and all. चिल्ले मारो लो बाबा का नाम ये भोलेनाथ दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश. ये सब पैसे कमाने का धंधा है और कुछ नहीं है. सबसे आसान तरीका है. वी डिड टॉक अबाउट फ्यू गॉड मैन जो भगवान के नाम पे जो
बिजनेस चल रहा है उस सिस्टम के खिलाफ हम लोगों ने काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए हैं। जो सो कॉल्ड दलाल हैं उनके प्रति वितृष्णा जागेगी क्योंकि उनकी रियलिटी उनके सामने आएगी। स्वामी जी नोटिस ओके सुपर। हम सिद्धेश्वर महाराज और गोपी मैया तीनों उस मूर्ख और निर्लज मनुष्य को उत्तर देने न्यायालय में जाएं। सीन करना है तो मुझे सोचना पड़ता था कि खड़े भी रहना है तो मिथुन दा दो मिनट में सीधे सीधे खड़ा हो। I think I have a very good feeling that he may get win lot of awards for this character what he's played. I think Mithun Dada has excelled himself. बहुत अच्छा माहौल रहता है उनके साथ काम करने में, बहुत मजा आता है। It was very brave on him his part to play this character and he has played it so beautifully, so nicely. इस फिल्म में भी हम लोग लगातार साथ में रहे, इस तरह से क्या उत्साह भी बढ़ता है और एक फ्रेंडली माहौल में जब आप काम करते हैं तो यू फील मोर क्रिएटिव। मैं इसमें एक संत महात्मा हैं सिद्धेश्वर जी महाराज, उनका कैरेक्टर निभा रहा हूँ। मिथ्या घमंड झूठे अभिमान में फंसे हुए हैं ये सिद्धेश्वर जी महाराज। कहा जाता है कि योगी जो होते हैं या सन्यासी होते हैं वो सबसे काम रहते हैं क्योंकि शांत रहते हैं। ये ऐसे संत महात्मा हैं जो हमेशा भूख से व्याकुल रहते हैं, हर समय उनको भूख लगी रहती है। अरे सक्षम पाप के लिए दंड मिलेगा तुझे, वो स्वयं दंडित करेगा तुझे। छोटी छोटी बात पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। अगर आपके खिलाफ भी कोई बोल रहा है तो आपको सामने भड़कने की जरूरत ही नहीं है। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। कैरेक्टर का नाम सिद्धेश्वर है, मतलब आपने तो सारी सिद्धि जो है अपने आप में सब सिद्ध किया हुआ है, तब जाके आपको ये नाम दिया गया कि आप सिद्धेश्वर है। कांजी लाल जी मेहता का केस एक्सेप्ट होता है। लुक एट द लॉयर, लुक एट द दादा। आई एम डूइंग अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हिच इज क्रिएटेड बाय माय डायरेक्टर उमेश। पूनम जी का कैरेक्टर है वो इट्स अगेन लाइक अ गॉड मैन। कैरेक्टर नेम इज गोपी माँ। आई एम लुकिंग लाइक अ गॉड वुमन काइंड ऑफ। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैंने ऐसा रोल किया है। पूनम झावर का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी ऐसा है कि जो बन गए हैं बस, अभी किसी ने बोला अभी गॉडमैन बनना है तुम्हें, इस तरह से रहना है। हम रियल लाइफ में आज जो हो रहा है जिस तरह से आप टीवी पे न्यूज़ पे रोज़ देखते हैं, तो उस तरह से एक वन ऑफ द लेटेस्ट कैरेक्टर हूँ मैं।